नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सालों से आप मेरे साथ हो इस अकाउंटिंग एजुकेशन में। आज कुछ नए विद्यार्थी जो अकाउंटिंग के क्षेत्र में आ रही हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हाउ टू मेक ए जर्नल एंट्री। हम जर्नल एंट्री कैसे बनाएं? देखो, असल में इंसान जो है ना, कुछ भी नहीं बनाने वाला। जो भी बनाता है वो तो परमपिता परमात्मा ही बनाता है। जैसे हमको बनाया, ये आम है इसको बनाया, ये नोट, ये कागज, कागज वुड से बना, वुड परमात्मा ने बनाया। ऐसे ही हर एक चीज बनाने वाला तो परमात्मा है, पर वो हमें ये ज्ञान भी देता है कि किसी चीज को कैसे बनाया जाए, यानी सुप्रीम पावर ऑफ नॉलेज परमात्मा है, तो हमें वो ज्ञान देता है कि किसी चीज को कैसे बनाया जाए। तो हम कोई जर्नल एंट्री कैसे करें, कैसे बनाएं? जैसे मैंने अपने बिजनेस की रिफ्रेशमेंट के लिए एक आम खरीदा, इसकी कीमत मैंने पे की 10 रुपए। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन जो आपके भी दिमाग में आएगा, मेरे भी दिमाग में आएगा, कि हमने खरीदा, यानी आम को हमने खरीदा, तो ये तो हमारी खरीद हो गई, ठीक? किस मकसद के लिए खरीदा, क्यों खरीदा, एक जो बात है वो बाद की है, पर हमने खरीदा, इसके पैसे गए। तो नियम जो चलते हैं इसमें, एक नियम चलता है डेबिट का और दूसरा क्रेडिट का, इसके अलावा कोई भी नियम नहीं है। एक डेबिट और एक क्रेडिट। कोई वस्तु, जैसे ये जड़ वस्तु है, आती है तो ये डेबिट हो गया। कोई वस्तु जब जाती है तो वो क्रेडिट हो जाती है। यानी 10 रुपए चले गए, हमारे बिजनेस से चले गए, तो ये 10 रुपए का जो नोट है ये हमारे से चला गया, ठीक है? तो ये क्रेडिट हो गया। और एक आम, ठीक है, ये है मैंगो, मैंगो आ गया तो ये डेबिट हो गया। तो इतनी सी बात है, हमने बना ली एक जर्नल एंट्री, हमने बना ली बिना सिद्धांत बिना सूल के। कोई चीज जाए हमारे बिजनेस से वो क्रेडिट करो, कोई चीज आए हमारे बिजनेस में वो डेबिट करो। सिंपल सा सिद्धांत, एक असूल, एक नियम बनाया कि भैया जो जानने वाला है उसको क्रेडिट करो, जो आने वाला है उसको डेबिट करो। पर धीरे धीरे हम इस ज्ञान में और आगे जाएंगे। मान लो मेरे पास 10 रुपए नहीं है, मेरे पास 10 रुपए नहीं है, तो मैंने क्या लिया, कर्जा। जो दुकानदार था वो था श्याम, श्याम था, तो जिससे मैंने आम लिया तो देने वाला क्या होता है, क्रेडिट। सेम अमाउंट उसने हमें 10 रुपए उधार दिए, यानी 10 रुपए काम दिया मीन 10 रुपए उधार दिए। तो मैंगो अकाउंट डेबिट टू शाम अकाउंट, ठीक। ऐसे ही नियम बनते हैं, एक बेसिक बनता है, तो कुछ सिद्धांत हमारे हाथ में आते हैं। तो वो कौन से सिद्धांत हैं, हम उन सिद्धांतों को साथ में लेके चलते हैं। पहला सिद्धांत है पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट में ये है कि जो प्राप्त करता है, रिसीवर है, वो डेबिट होता है और गिवर क्रेडिट होता है।
दूसरा जो अकाउंट्स है वो है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में है जितने भी वस्तुएं आती हैं बिजनेस में, एक कॉमन एसेट्स कम्स इन बिजनेस, वो डेबिट होती हैं। जो बिजनेस से एसेट जाती है, एसेट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, वो क्रेडिट होती हैं, ठीक। और तीसरा है एक्सपेंसेस, यानी नॉमिनल अकाउंट में तीसरा जो नियम है, तीसरे का जो पहला नियम है एक्सपेंसेस है जितने भी, और लॉसेस वो डेबिट होते हैं, और जितने भी इनकम्स हैं वो क्रेडिट होते हैं। अब इसी ही की मिसाल को एक सिद्धांत के साथ हम चलते हैं, जो आम है हमारा रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस है, यानी ये जो है हमारा खर्चा है, बिजनेस में भी आया है और खर्चा भी है, तो कुछ भी मान लो इसको रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट विद 10 रुपीज, इसकी वैल्यू है 10 रुपए। तो अगर कैश पेमेंट होती है तो मैं लिख देता हूं कैश अकाउंट, क्यों लिखा, क्योंकि एसेट्स गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से गए 10 रुपए, ये 10 रुपए बिजनेस से चले गए तो 10 रुपए क्रेडिट हो गए, क्रेडिट डेबिट हुए रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट हुए कैश अकाउंट। अगर मान लो मेरे पास 10 रुपए नहीं थे तो आम को देने वाला दुकानदार, दुकानदार का नाम है श्याम, तो ये सिद्धांत लगा हु इज गिवर, गिवर हमेशा ही क्रेडिट होता है श्याम अकाउंट, ये 10 रुपए लिखती है क्रेडिट। इस तीन सिद्धांतों के बेस पे, इन तीन सिद्धांतों के बेस पे दुनिया की कोई भी ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड कर सकते हो, अर्थात हर जर्नल एंट्री को आप बना सकते हो। दुनिया की ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं जिसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मान लो कि मैं कहता हूं कि मैंने आपको 1 लाख रुपए कर्जा दिया, 3% मंथली बेस पे ब्याज पे दिया, बनाओ उसकी एंट्री, इसकी जर्नल एंट्री बनाओ, कर्जा मैंने दिया आपके बिजनेस को, ठीक। तो इन द बुक्स आपकी किताब में क्या होगा कि आप तो रिसीवर हैं, मैं देने वाला हूँ, तो आपके बिजनेस में क्या आया, लेने वाले हो बट कम्स इन कैश, तो आपने लिख देना है कैश अकाउंट डेबिट, तो देने वाला कौन है, मैं हूँ, नो अकाउंट क्रेडिट, पर ऐसे नहीं लिखना विनोस लोन अकाउंट क्रेडिट। जब आपने मुझे ब्याज देना है तो ये आपका खर्चा है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आपकी पेमेंट, बट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, ब्याज कैश में गया है तो कैश अकाउंट क्रेडिट, 3% या 4% जितना भी है वो मंथ के लास्ट में जो जर्नल एंट्री आप बनाओगे तब। ऐसे दुनिया की आप हर तरह की जर्नल एंट्री बना सकते हो, सिर्फ आप में क्या है एक विश्वास होना चाहिए, इन सिद्धांतों के हिसाब से होना चाहिए, किसी का पहले का पहला नियम और तीसरे का दूसरा नियम लग सकता है, किसी का दूसरे का पहला नियम व्हाट कम्स इन बिजनेस और पहले का दूसरा नियम भी लग सकता है, मिक्सिंग मिक्सिंग हो, अगर एसेट इंक्रीज होती जाती है तो वो डेबिट होंगी, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है तो वो क्रेडिट होगी, ठीक है जी। अगर एसेट कम हो गई है पहले से तो वो क्रेडिट होगी, अगर लाइबिलिटी पहले से कम हो गई है वो डेबिट होगी। तो सिद्धांत है, अलग अलग सिद्धांतों इकट्ठा कीजिए और जर्नल एंट्री बनाने के लिए तैयार हो जाइए।
धन्यवाद।